साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। मौलाना अरशद मदानी का बड़ा बयान, बोले इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर मुसलमान को एजुकेशन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा रहा है। बिजली दरें 18 से 23 33% बढ़ाने का प्रस्ताव, कमर्शियल दरें 1 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने की तैयारी, पावर कॉरपोरेशन की मुहर के बाद होगी लागू। 13 लाख में करें 51 दिन की लग्जरी क्रूज यात्रा, 3 दिन बाद पीएम मोदी करेंगे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना। गाजियाबाद में हिरासत में मौत, 3 पुलिसकर्मियों पर FIR, ऑटो चालक को एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने उठाया था। फर्जी मेडिकल का बड़ा नेटवर्क, ब्रोकर के मोबाइल में 1500 रिकॉर्डिंग, मेडिकल इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक नेटवर्क। अलीगढ़ में मकानों में आई दरार, सीवर लाइन के लिए हुई थी खुदाई, अब दीवारें छत फटी, दरारें की आती है आवाज। पूर्व उत्थल सेना अध्यक्ष निरंजन सिंह मलिक का निधन, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, 38 साल तक की देश की सेवा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब वसूला जाएगा टोल, यूपीडा जल्द निकलेगा टेंडर, अप्रैल माह से टैक्स लेने की तैयारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुए के बाद नजर आया अजगर, झाड़ियों से निकलकर रेंगने लगा, वायरल हुआ वीडियो। प्रयागराज के डाकघरों में हड़ताल जारी, दूसरे दिन भी प्रधान डाकघर के बाहर कर्मचारी कर रहे नारेबाजी। संभल में रालोट की रणनीति, किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर जन जागरण अभियान, मुख्यमंत्री के नाम किसान भेजेंगे पत्र। हमीरपुर में यूपी 112 की गाड़ी को लगाया धक्का, सिपाहियों ने जोर आजमाइश, खटारा वाहनों के भरोसे कैसे क्राइम होगा कंट्रोल। औरैया में घर में घुसकर चोरी, 10,000 की नकदी व 3 लाख के जेवर चुराए, मकान मालिक दूसरे कमरे में सोता रहा। सुल्तानपुर में किसानों की 50 बीघे फसल जलमग्न, सिंचाई विभाग की लापरवाही से माइनर की कटी पटरियां। फतेहपुर में खेत गए किसान की मौत, भतीजे के साथ सिंचाई करने गए थे, ठंड से जान जाने की जताई जा रही आशंका। गला दबाकर की गई महिला की हत्या, बरेली में सिरौली के जंगल में मिली है 40 साल की महिला का लावारिश में अंतिम संस्कार। कमरे में आग लगने से रिटायर शिक्षिका की मौत, फरीदाबाद में चारपाई के पास हीटर जलाकर सोई थी, अकेली रहती थी घर में। पुलिस प्रहरियों को ठंड से बचाव के लिए बाटा कंबल, एसपी सिटी ने कहा गांव प्रहरी पुलिस के अभिन्न अंग, इनका रखा जाए ध्यान। उन्नाव में सादा नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल डूबी, किसानों ने की है मुआवजे की मांग, गेहूं बर्बाद, सिंचाई विभाग को ठहराया जिम्मेदार। अमेठी में कोहरे के कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की हुई है मौत, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आगरा में कोहरे में भिड़े दो ट्रक, हाईवे पर थमी रफ्तार, दोपहर में धूप निकलने से मिलेगी राहत। बहराइच में एसपी ने किया है परेड का किया गया निरीक्षण, साफ सुथरी व निर्धारित वर्दी धारण करने के निर्देश। कोहरे से मथुरा में भिड़े 16 वाहन, दो अमेरिकी घायल, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, कड़कड़ाती ठंड में मंदिर पहुंच रहे भक्त। शहर कोतवाल और दो थाने प्रभारी लाइन हाजिर, काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई, 9 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र बदले। जंगली जानवर पकड़ में न आने से ग्रामीण दहशत में, फसल की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं किसान, 6 दिन पहले देखा गया था तेंदुआ। अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते आपस में भिड़े दो पक्ष, पत्थरबाजी का वीडियो हुआ है वायरल, छेड़खानी का बताया जा रहा है वीडियो। चंदौली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर, मौके पर बाइक सवार युवक की हुई है दर्दनाक मौत। कानपुर में घाटमपुर तहसील में रैन बसेरे के नाम पर खानापूर्ति, भीषण ठंड के दिखे प्रवासियों को नहीं मिल रहा है कोई स्थान। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, गोमती नगर में सील किया गया अवैध निर्माण। कानपुर में ठंड का कहर जारी, जानलेवा होती जा रही है ठंड, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, 124 लोगों की मौत। ताज नगरी आगरा G20 की बैठक को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन, G20 बैठक को लेकर शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश। हनीमून में पति को नशीली चाय पिलाकर प्रेमी के साथ पत्नी हुई रफू चक्कर, पहले से ही थी विवाहिता, अन्न के लिए सिविल कोर्ट पहुंचा पति। एक्शन में आए अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार, 100% टैक्स वसूलने का दिया आदेश। अलीगढ़ में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी है आग, आग लगने से दो भैंस समेत अन्य सामान जलकर हुआ खाक। औरैया में चल रहा है विकास योजनाओं को लेकर डीएम ने की है समीक्षा बैठक, बैठक में कार्यदायी संस्था सहित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। अलीगढ़ में अज्ञात हत्यारे ने युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका, शव कुएं में फेंके हत्यारे हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है किसान का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर के गुलावती थाने में ग्रामीणों ने एसएचओ का किया है घेराव, विकास यादव के हत्यारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया घेराव। फिरोजाबाद में करंट लगने से युवक की हुई है मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने 1 करोड़ की हीरोइन के साथ 3 तस्करों को किया है गिरफ्तार। हरदोई में बंद मकान से जेवरात और नकदी उड़ा ले गए चोर, पीड़िता ने पड़ोसियों पर शक जाहिर करते हुए दी है तहरीर, जांच में जुटी पुलिस। होटल में डीजे बंद करने को लेकर मेजर की गाड़ी में लगाई गई है आग, मामले में होटल हुआ है सील,
आग लगाने वाले हुए गिरफ्तार। माघ मेले में आतंकवाद के खात्मे व देश की सुरक्षा व कोरोना से मुक्ति के लिए साधु संत ने शुरू किया विशेष अनुष्ठान, पूरे एक माह तक चलेगा अनुष्ठान। इंद्रनगर पुलिस पर लगे हैं थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप, कस्टडी में लेकर पूर्व प्रधान विशाल यादव के साथ किया गया था थर्ड डिग्री टॉर्चर। संभल में ट्रक और कैंटर की आमने सामने भिड़ंत में कैंटर चालक गंभीर रूप से हुआ है घायल, घायल चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है नगर निगम, एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर गंगा में गिराया जा रहा है नाले का पानी। प्रयागराज में खटिक समाज के स्थापक की मनाई गई है पुण्यतिथि, जिलाध्यक्ष ने दी है राजनाथ शास्त्री को श्रद्धांजलि। हमीरपुर में ठंड का लगातार प्रकोप जारी, घने कोहरे और ठंड के कारण सड़कों और बाजारों पर पसरा सन्नाटा। ताजनगरी आगरा में सर्दी का सितम जारी, कोहरे की चादर में लिपटी ताजनगरी, मोहब्बत की निशानी भी कोहरे की चपेट में आने से हुई अदृश्य। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर जारी, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, एक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, दूसरा घायल। औरैया में सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों से लोग परेशान, जानवरों से बाल बाल बचा मां और बच्चा, जानवरों का लड़ने का वीडियो वायरल। बदायूं में रोडवेज बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे में नहीं मिली वृद्धा को जगह, कड़ाके की ठंड में वृद्ध व्यक्ति की मौत। औरैया में ट्रक की टक्कर से सफाई कर्मचारी की मौत, मौत से सफाई कर्मचारी में आक्रोश, मौके पर एसडीएम सीओ समेत कई नेता मौजूद। गाजियाबाद में ऑडी ने दो को कुचला, गार्ड के सीने पर चढ़ाई कार स्कूटी सवार को मारी टक्कर। मंत्री एके शर्मा ने रैन बसेरों अलाव व्यवस्था का किया है निरीक्षण, निराश्रितों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उसरी चट्टी कांड में वादी मुख्तार अंसारी कोर्ट में नहीं हुए पेश, कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को किया था तलब। गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहा होटल सील, विशाल खंड दो में बना होटल मिलानो कैफे सील, एलडीए की टीम ने सील किया होटल। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला है महिला का शव, शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नार जोन के गुंडावा थाने को मिली है बड़ी सफलता, एक किलो गांजे के साथ दो तस्कर हुए गिरफ्तार, तस्करों का इतिहास खंगालने में जुटी पुलिस। कुशीनगर में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, आग की चपेट में आए आसपास के 9 घर, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। हज 2023 के लिए भारत को 2.25 लाख का मिला कोटा, देशभर में यूपी की सबसे ज्यादा हज पर जाएंगे हज यात्री। मेरठ में 5 वर्षीय मासूम का अपहरण का कोई भी सुराग नहीं, सर्विलांस टीम सहित पुलिस की 10 टीमें बच्ची को तलाशने में जुटी। काकोरी प्रभारी निरीक्षक को किया गया लाइन हाजिर, रामेश्वर कुमार को प्रभारी पद से हटाकर भेजा गया पुलिस लाइन।
बुलंदशहर में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, फोन करके बात भी नहीं, कोई भी सुनवाई हो रही है। मरीजों को भैंस बुग्गी में डालकर अस्पताल पहुंचा रहा है तीमानदार, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। लखनऊ के बाजारखाला क्षेत्र में सड़क किनारे मिला है शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बाड़े में लगी है आग, आग लगने से 3 दर्जन बकरी जलकर हुई खाक। ट्विटर वॉर के बाद सपा ने बदली अपनी रणनीति, अब नई टीम संभालेगी सपा मीडिया सेल। ट्विटर वॉर में हुई थी सपा की किरकिरी। कानपुर खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के से प्रत्याशी श्री अरुण पाठक भाजपा से किया नामांकन, स्नातक और खंड शिक्षक पर 30 जनवरी को होगी वोटिंग। प्रदेश में 19 शिक्षा अधिकारियों का हुआ है तबादला, कई जिलों में तैनात किए गए। डीआईओएस फतेह बहादुर सिंह बने कानपुर के डीआईओएस। ठंड में ठिठुर रहे गौवंश, गौवंशों के लिए नहीं है कोई भी व्यवस्था, लखनऊ की सड़कों पर घूम रहे हैं छुट्टा पशु। चालीस फीट गहरे बोरवेल में गिला है बच्चा, पाइप से दी जा रही है ऑक्सीजन, हापुड़ में खेलते समय हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में अवैध कब्जा धारकों को चेतावनी, ईओ ने 3 दिन के भीतर अतिक्रमण खाली करने के दिए हैं आदेश, दर्ज होगी एफआईआर। दो बेटों के साथ कुएं में कूदी गर्भवती महिला, एक बच्चे की मौत, महिला और एक बेटे को बचाया गया, चोरी के आरोप से परेशान थी। फतेहपुर में थानों में पुलिस पिला रही है चाय, एसपी कार्यालय सहित सभी थानों में फरियादियों के लिए व्यवस्था। शामली डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, रहने वाले यात्रियों से की बातचीत, अब तक जिले में किए जा चुके हैं 3,700 कंबल वितरण। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो